हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर शहर में आज शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा में शामिल लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित चित्राधा आर्य और सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार पिन्नू भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन में परिचय डालते हुए उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जो जीवन है और जो पूरा उन्होंने जीवन समर्पित करा देश की सेवा में, समाज की सेवा में, सामाजिक समानता की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। हमारा जो संविधान है, जो विश्व का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र, जो भारत है, जो उसकी रचना हुई उस संविधान के आधार पर, उनका जो योगदान है वो केवल हिंदुस्तान में नहीं, विदेशों में भी, अन्य देशों में भी उसका उदाहरण पेश किया जाता है। तो ऐसी महान हस्ती डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर थे, तो मैं विशेष आज श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ। क्या जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एक हर्षोल्लास का माहौल है, और बाबा साहब अंबेडकर जी जो इस संविधान के निर्माता है, जो हर एक नागरिक, जो इस देश का नागरिक है, उनके हाथ में संविधान की शक्ति और लोकतंत्र की शक्ति जो बाबा साहब ने दी है, वही एक सोच थी जो एक क्लास में साधारण परिवार का बच्चा जो क्लास में कभी बैठा करता था, वो एक देश का संविधान लिखेंगे। क्योंकि आज बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती है। इस उपलक्ष में हम लोगों ने फूल वर्षा करने की यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली है, और हमारे द्वारा भोज की व्यवस्था भी अम्बेडकर पार्क दमड़ुआ में करी गई है। और जिस तरीके से बाबा साहेब ने संविधान का जो संविधान लिखा था, उस आज की वर्तमान में उसे बचाने की चैनल के माध्यम से शिल्पकार, दलितों और वंचितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती की पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। जब जब समाज में दलितों और शिल्पकार और वंचितों की बात होती है, तब तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जाता है। सभी को सबसे पहले अंबेडकर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आज हर वर्ष की भांति इस साल भी यहाँ पर एक हमने जलपान का अरेंजमेंट किया हुआ है। आज हमारी एक बहुत ही बड़े रूप में एक झांकी निकलेगी, जिसमें अंबेडकर जी के संदेशों को आगे लोगों को दिया जाएगा, और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पर सभी युवाओं के साथ, और देखिए अंबेडकर जी सभी के हैं इसलिए आज सभी लोग यहां पर हम सब मिलकर एक मैसेज भी देना चाहते हैं, और इसी के लिए आज यहाँ पर जलपान की व्यवस्था भी करवाई गई है, और सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं देते हैं।